हम लोग प्रीवियस क्लास में फोटोसिंथेसिस को कहां तक बढ़ा लिए थे, याद दिलाते हैं जल्दी से। हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे, और इस फैक्टर्स में पहले हम लोग तीन लॉ पढ़े थे। पहला लॉ था लॉ ऑफ कार्डिनल पॉइंट, दूसरा था लॉ ऑफ मिनिमा, और तीसरा लॉ था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तीनों लॉ का अपना अपना उद्देश्य था कहने का। इसका मतलब क्या था, किसी भी वाइटल प्रोसेस को यदि कोई एक पर्टिकुलर एनवायरमेंटल फैक्टर, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, तो इस वाइटल प्रोसेस की रेट जो है इस एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर के तीन वैल्यू से अफेक्टेड होगी, मिनिमा, ऑप्टिमा और मैक्सिमा। ये कहता था लॉ ऑफ कार्डिनल पॉइंट। लॉ ऑफ मिनिमा क्या कहता था कि कोई वाइटल प्रोसेस है और कोई वाइटल प्रोसेस अगर मोर देन वन एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर से अफेक्टेड हो रहा है, तो इस वाइटल प्रोसेस की रेट उस एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर से रेगुलेट होगी जो मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट हो, और वो जो मिनिमम अमाउंट में फैक्टर है वही लिमिटिंग फैक्टर, वो अभी बस ये बात मिनिमम अमाउंट से अफेक्टेड होगा। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या कहता था कि कोई भी वाइटल प्रोसेस अपने हाईएस्ट रेट से चल रही है, और वो मोर देन वन एनवायरमेंटल फैक्टर से रेगुलेट हो रही है, अफेक्टेड हो रही है, तो इस वाइटल प्रोसेस की जो ये हाईएस्ट रेट है ये डिटरमाइन होगी या फिर ये अफेक्टेड हो जाएगी उस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल फैक्टर से जो मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है, और यही जो मिनिमम अमाउंट में जो फैक्टर प्रेजेंट है वही है लिमिटिंग फैक्टर। ये कहता है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। हम लोग ये देख लिए थे और फिर हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। पहला था सर लाइट के बारे में तुमको कुछ बातें बताए थे, जल्दी से रिकॉल करा देते हैं। किसका दो तरीके का इफेक्ट होता है फोटोसिंथेसिस पे, एक तो होता है क्वालिटेटिव इफेक्ट, एक होता है क्वांटिटेटिव। ये हम लोग पढ़ चुके थे TW एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट में, और ये हम लोग पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में। लाइट क्वांटिटेटिव इफेक्ट ये रिलेटेड है वेवलेंथ ऑफ लाइट से, और ये रिलेटेड है इंटेंसिटी ऑफ लाइट से। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या, इंटेंसिटी की तीन वैल्यू मिनिमा, ऑप्टिमा, मैक्सिमा। मिनिमा वैल्यू पे फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा, ऑप्टिमा पे फोटोसिंथेसिस हाईएस्ट रेट से चलेगा, मैक्सिमा पे फोटोसिंथेसिस स्टॉप होने लगेगा। इससे पहले भी फोटोसिंथेसिस नहीं चलेगा, इसके बाद फोटोसिंथेसिस नहीं चलेगा, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस धकाधक चलेगा और इस बीच सभी जगह चलेगा, यहाँ पे हाईएस्ट रेट पर चलेगा। ये लाइट इंटेंसिटी का इफेक्ट, क्वांटिटेटिव इफेक्ट फोटोसिंथेसिस पे। यहीं से बताए थे लाइट कंपनसेशन पॉइंट कि मिनिमा पर और मैक्सिमा पर फोटोसिंथेसिस, मतलब इसके नीचे अगर हो और इसके बाद हो तो फोटोसिंथेसिस रुक जाती है, तो था लॉ ऑफ कार्डिनल पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट क्या बताए थे, मिनिमा पर और मैक्सिमा पर सेम रेट होती है, और वो जो रेट होती है ऑप्टिमा के तुलना में कम रेट होती है, और मिनिमा और ऑप्टिमा वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर इतनी रेट होती है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रेस्पिरेशन के बराबर होता है। ऐसा सिचुएशन जनरली क्रिएट नहीं होता, अभी जो गर्मी आ रहा है बहुत ज्यादा गर्मी तो उसमें यह सिचुएशन आ रहा होगा, लेकिन ऐसा सिचुएशन प्लांट रोज फेस कर सकता है। जैसे कि मॉर्निंग के टाइमिंग में सिचुएशन आएगा और इवनिंग के टाइमिंग में सिचुएशन आएगा, तो लाइट कंपनसेशन पॉइंट डेली आता है मॉर्निंग जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है और जब फोटोसिंथेसिस खत्म होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस खत्म होने का मतलब ये नहीं कि मैक्सिमम को क्रॉस करे तभी खत्म होगा, मिनिमम के बाहर चला जाए तो भी तो क्रॉस हो जाएगा, तो भी तो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। तो ये चीज इवनिंग और मॉर्निंग में, मॉर्निंग और इवनिंग में डेली आ रहा है लाइट कंपनसेशन पॉइंट प्लांट के अंदर। फिर बताए थे कि लाइट प्लांट जो दो प्रकार का होता है, एक होता है हेलियोफाइट्स और एक होता है सीओफाइट्स। ये होता है सनलाइट कैरिंग प्लांट और ये होता है तुम्हारा शेड लविंग प्लांट। इसके लिए लाइट कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, लाइट कंपनसेशन पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि इसको ये सनलाइट लविंग प्लांट है, बहुत ज्यादा सनलाइट होगा तब जाके फोटोसिंथेसिस स्टार्ट ही करेगा, तो कंपनसेशन पॉइंट भी तो ज्यादा होगा। और ये शेड लविंग प्लांट है तो इसमें लाइट कंपनसेशन पॉइंट कम होगा, इसमें ज्यादा होगा। ये सारी बातें लाइट में हमने कर ली थी और हम ये सब बात देखते हैं। नोट्स में एक जगह लिखा था,
व्हेन लाइट इंटेंसिटी, व्हेन लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस, ऐसे ऐसे व्हेन लाइट इंटेंसिटी इज लो देन अन इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस, ऐसा लिखा था। और यहां साइड में कुछ लिखा था क्लाउडी कंडीशन, पेंसिल से लिखा था क्लाउडी कंडीशन, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, शेडेड प्लांट, फलाना ढिकाना। एक्चुअल में ये यहां पर डालने के लिए लिखा हुआ था और ब्रैकेट में व्हेन लाइट इंटेंसिटी इज लो, कब लाइट इंटेंसिटी लो रहेगी। देखो वो तो सही बात है, मॉर्निंग में इवनिंग में कम रहेगी, तो मॉर्निंग में जब कब है तो लाइट इंटेंसिटी बढ़ाया जाए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, तो डेली की बात है। लेकिन ये बात जो ब्रैकेट में डालने के लिए, इसके लिए बात की, ये सिचुएशन कभी भी आ सकता है, क्लाउडी कंडीशन कभी भी आ सकता है, बारिश कभी भी हो सकती है, बादल कभी भी गिर सकते हैं, लाइट इंटेंसिटी कम होगा। समर्स और शेडेड प्लांट के लिए तो हमेशा ये लो लाइट कंडीशन, तो वहां पर यदि लाइट इंटेंसिटी बढ़ाया जाए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा। बस यही पॉइंट समझाना था कि उसमें बताना छूट गया था, बता दिए। चलिए आज हम दूसरा फैक्टर पढ़ रहे हैं, और दूसरा फैक्टर है हमारा CO2, दूसरा एक्सटर्नल इमेंटल फैक्टर CO2 है, ठीक है। कोई बच्चा हमको अगर बता दे अभी करंटली एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन कितना है, एक बच्चा का जवाब आया 0.03%, सही जवाब है, परसेंटेज में है ये। इसको अगर पार्स और अगर पूरा बोलोगे तो 0.038%, ठीक है, 0.038 टू लेकर 0.0385, इतना बताते हैं लोग। तो अगर इसको तुम पार्ट्स पर मिलियन में निकालोगे ना तो इतना आएगा 380 पार्ट्स पर मिलियन से लेकर 385 पार्ट्स पर मिलियन, ये करंट एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन है। मगर अकॉर्डिंग टू NCERT, तुम्हारी NCERT जो ये बुक छपी है, मतलब कि रिपब्लिश हुई है, हर साल तो क्या होता है इसका अपडेटेड सेक्शन आता है, रिपब्लिश मतलब पूरा का पूरा दोबारा से पब्लिश हो, तो ये तो 2005 में हुई है, इसका मतलब ये डाटा 2005 के अकॉर्डिंग का एनवायरमेंट का है। आज चल रहा है 2021 तो अभी खड़ा आया ही है। अगर तुम 2020 का डाटा देखोगे तो एक्सटर्नल एटमोस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन 402 ppm है, देख लेना नेट पर सर्च करके, हाँ यानी कि 0.04 वो चला गया अब एटमॉस्फेयर में। अब तुम बोलोगे सर हम क्या माने, तुम ये मानो तुम्हारा नीट में सारा कैलकुलेशन और आंसर इसी हिसाब से हो रहा है और होगा जब तक नीट अपडेटेड नहीं होता है। अगर क्वेश्चन में ये होगा ही नहीं और यही हो तब तुम यही मारोगे, और अगर क्वेश्चन में इससे कम हो, CO2 कंसंट्रेशन कभी कम नहीं हो रहा बढ़ता जा रहा है, तो इससे अधिक में जो भी हो और इसके बीच में जो भी हो वो मान लेना। ये बात मैंने बता दिया है, मेरा सारा हिसाब किताब इसके अकॉर्डिंग चलेगा अभी। तो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन कितना है, 380 पार्ट्स पर मिलियन से लेकर 385 पार्ट्स पर मिलियन, अलग अलग जगह पर वेरी करता है, दिल्ली वगैरह में 385 क्रॉस 2005 के अकॉर्डिंग, जैसे अभी वहां पर है तो वहां 405 तक जाता है दिल्ली वगैरह में, पॉल्यूशन ज्यादा है। गाँव में जाओगे तो वहां पे तुमको, वहां पे अभी भी तुमको 390 के आसपास दिखेगा, 2005 में वहां पे 380 के आसपास, मतलब ये वेरी करता है एनवायरनमेंट पे, कहां ज्यादा पोल्यूशन है एटमॉस्फेयर में वहां पे CO2 कंसंट्रेशन वेरी करता है। कुल मिलाकर तुम तो रेंज याद रखो 380 से लेकर 385 पार्ट्स पर मिलियन। मेरा बड़ा सवाल क्या है, बड़ा सवाल ये जो एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन है कितना, 380 ppm से 385 ppm से 385 ppm
380 से 385 ppm एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन, 380 से 385 ppm एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन पर्याप्त है, पर्याप्त है C4 प्लांट के लिए, पर्याप्त नहीं है C3 प्लांट के लिए। पूछ नहीं बता रहा हूं, पूछ नहीं बता रहा हूं, ये पहले भेजे मीटिंग से। क्या ये 380 पास पर मिलियन है, 380 से 385 पर्याप्त है फोटोसिंथेसिस करने के लिए C4 प्लांट के लिए, पर्याप्त नहीं है C3 प्लांट के लिए। काहे की, काहे की C4 प्लांट सेचुरेशन शो करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, सेचुरेशन पॉइंट दिखाते हैं, मतलब सेचुरेट हो जाते हैं कितने पास पर मिलियन पर, 360 पास पर मिलियन पर। जबकि C3 प्लांट सेचुरेट हो जाते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, सेचुरेशन पॉइंट लाते हैं कितने पर, 450 पास पर मिलियन पर। बड़ा सवाल क्या, बड़ा सवाल क्या, इतना तो समझ में आता है सर। 360 पर यदि, 360 पर यदि ये सेचुरेशन दिखा देता है तो एटमॉस्फेयर में तो 380 है, इसको 360 ही चाहिए हाईएस्ट रेट से फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो C4 प्लांट को तो 380 पर्याप्त है। लेकिन इसके लिए 450 पर्याप्त होगा, मतलब 450 चाहिए तब ये फोटोसिंथेसिस अपने ऑप्टिमम रेंज से करेगा, हाईएस्ट रेट से करेगा। तो अभी तो एटमॉस्फेयर में 380 से 385 है, अगर करंट सिचुएशन में मान ले तो कितना है, 402 है, मगर ये तो सेचुरेशन कब दिखाएगा, 450 के। तो इसके लिए एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन पर्याप्त नहीं है, ये तो सबको समझ में आता है। मेरा सवाल क्या है, व्हाई सेचुरेशन पॉइंट फॉर फोटोसिंथेसिस इज, मतलब इन केस ऑफ CO2 कंसंट्रेशन इज मोर इन C3 प्लांट एंड लेस इन C4 प्लांट, व्हाई, व्हाई? बड़ा सवाल ये है, दो चार कौड़ी के लोग जो मार्केट में बोती होती पढ़ा रहे हैं, लोग क्या बताएंगे, सुनो सुनो बता देते हैं लोग क्या बोलेंगे। ये लोग बोलेंगे बेटा ये एक्सपेरिमेंट से निकाला गया, तो वो ये बोल के तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। मुझे भी पता है एक्सपेरिमेंटली निकाला गया, मुझे भी पता है एक्सपेरिमेंटली निकाला गया। मैं ये भी बता देता हूँ, अमेरिका में एक क्रॉपलैंड है और वहीं पे ये ग्राफ, मतलब की जो एक अभी ग्राफ बताएंगे तुमको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म में बताया गया कि ये इतना पे सेचुरेशन शो करता है, ये इतना पे करता है, करंट एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन इसके लिए 360 है, इसके लिए 450 है, अच्छा करंट एटमॉस्फेरिक CO2 इसके लिए जो है लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, इसके लिए है, अभी बताएंगे सब बात। ये सब बात हमको भी पता है यार, क्या बता रहे हो एक्सपेरिमेंट, हम तो पूछ रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटली ऐसा क्यों हुआ कि इसके लिए 450 आया, ऐसा क्यों इसके लिए 360 आया। सवाल मेरा ये है, सवाल मेरा ये है, सवाल मेरा ये नहीं है कि एक्सपेरिमेंटली आया कि नहीं आया। कोई बात नहीं, अभी और पढ़ो थोड़ा सा, तब शायद तुम ही जवाब दे पाओगे, क्योंकि तुम हमसे पढ़े हो पूरा फोटोसिंथेसिस, अभी तुम भेजा नहीं लगा पाओगे, थोड़ा सा और पढ़ो। चलो पहले एक ग्राफ समझाते हैं कि वो कौन सा ग्राफ है, वो कौन सा ग्राफ है। तो उस वो ग्राफ एक्चुअली लॉ ऑफ कार्डिनल पॉइंट को समझाने के लिए है, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है सब, बिल्कुल सही बात है, लॉ ऑफ कार्डिनल पॉइंट लगाओ। चलो अगर लॉ ऑफ कार्डिनल पॉइंट लगाया जाए तो वैल्यू ऑफ CO2 बताओगे काय के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। लॉ ऑफ कार्डिनल पॉइंट के अकॉर्डिंग इस CO2 की तीन वैल्यू होगी जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती होगी, मिनिमा, ऑप्टिमा और मैक्सिमा। क्या CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए जो चाहिए वो मिनिमा, ऑप्टिमा और मैक्सिमा C3 C4 और कैम प्लांट के लिए सेम है? नहीं, C3 के लिए अलग और C4 कैम के लिए अलग, C4 कैम के लिए सेम, C3 C4 कैम का मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा अलग अलग है, C3 C4 एंड कैम का ऑप्टिमा अलग है, C3 C4 एंड कैम का मिनिमा ऑप्टिमा अलग है, अलग है। कितना है, कितना है? C3 प्लांट
कम से कम 50 से 60 ppm CO2 दोगे तब जाके फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेगा। C4 कैम 0 से 10 ppm मिलेगा तब जाके फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेगा। C3 प्लांट यदि 550 से लेकर 800, 850, 900 तक मिल जाए ppm तो ये ऑप्टिमा रेंज में अपना हाईएस्ट फोटोसिंथेसिस दिखा रहा होगा। C4 प्लांट और कैम प्लांट 300 से 550, 600 तक मिल जाए तो दिखा रहा होगा ऑप्टिमा पे हाईएस्ट। यदि C4 प्लांट के लिए 1100 से 1200 तक पहुंच गया तो वो प्लांट के लिए जहरीला हो जाएगा, प्लांट फिर फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएगा, स्टोमेटा वगैरह क्लोज हो जाएगा। C4 प्लांट यदि 900 क्रॉस कर गया एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, गैस एक्सचेंज भी नहीं हो पाएगा, दिक्कत आ गई। बच्चा बोलता है सर क्या सारे डाटा याद रखने हैं? ये मत याद रखो, ये याद रखो, ये तो बस तुमको एक ओवरव्यू दे दिए कि ये होता है लॉ ऑफ कार्डिनल पॉइंट के अकॉर्डिंग। चलो इसका मतलब समझ में आ गया सर, यदि C3 प्लांट को 50 से 60 ppm मिल जाए तो ये फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देगा लो रेट के साथ। यदि ये ppm बढ़ते बढ़ते अगर हो जाए 550 से 800 जो आज नहीं है, जो आज नहीं है इन फ्यूचर हो सकता है, तो ये अपने हाईएस्ट स्टेज पर फोटोसिंथेसिस दिखाने लगेगा। यदि बढ़ते बढ़ते 1000, 1200 हो जाए तो प्लांट निपट लेगा, तो प्लांट निपट लेगा। इससे ये पता चलता है और इससे ये भी पता चलता है कि 50 से 60 मिले तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा, मतलब C3 प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन ये प्लांट तब शो करेंगे सैचुरेशन ना जब इस रेंज में आएंगे। हमको पता है तुम्हारे मन में एक डाउट चल रहा है और वो डाउट क्या है बता रहे हैं, वो डाउट क्या है सर? अभी आप बोले C3 प्लांट के लिए सैचुरेशन आता है 450, इसके लिए आता है 360। पहले इसको लेते हैं, इसको सैचुरेशन मतलब 360, मतलब सैचुरेशन का मतलब क्या, फोटोसिंथेसिस अपने हाईएस्ट स्टेट से चल रहा है C4 प्लांट के अंदर। तो ये सैचुरेशन पॉइंट जो 360 ppm पे आता है, 360 ppm ऑप्टिमा रेंज में होना चाहिए, बिल्कुल है, देख लो इस बीच में 360 आएगा है, इसमें तो बात समझ में आ जाता है, बात फंसता है इसमें। सर आप बोले 450 ppm चाहिए, सैचुरेशन पॉइंट है इसका C3 का, और इसका मतलब 450 ऑप्टिमा रेंज में होना चाहिए, लेकिन आपका ऑप्टिमा यहाँ बता ही रहे हैं कितना, 550 से। देखो एक रेंज है इसलिए तो बोले याद में रखना, कोई लोग बता देते हैं 450 से 700, कोई बता देंगे तुमको 400 से लेकर 650 इस टाइप से, तुम बस ये याद रखो, ये और ये बस मान लो कि सैचुरेशन पॉइंट तो इतने पे आता है, तुमको याद तो ही रखना सैचुरेशन पॉइंट 450 पे आता है C3 का, और C4 का 360 पे आता है। इतना तो पता चलता है ना कि इसका ऑप्टिमा एक पर्टिकुलर रेट होगा, एक ऑप्टिमा का एक पर्टिकुलर रेंज होगा जिसमें ये हाईएस्ट स्टेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखाता होगा, और सैचुरेशन पॉइंट भी उसी रेंज में आना चाहिए 450। ये बचा रखोगे और ये मैक्सिमा का भी याद नहीं रखना, बस इतना हाँ वो पता होना चाहिए कि मैक्सिमा पे फिर प्लांट जो है निपट लेगा, क्योंकि कोई चीज अधिक होने पर फिर वो प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। लॉ ऑफ कार्डिनल पॉइंट को समझ में आ गया, लॉ ऑफ कार्डिनल पॉइंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ इधर ले लो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और इधर ले लो CO2 एनवायरमेंटल CO2 कंसेंट्रेशन। यहाँ 0 है, यहाँ 100 मानते हैं, यहाँ 200, 300, 400, 500, 600, 100 इसी बीच में कहीं पे 300 से 400 के बीच में ही कहीं पे आया होगा तुम्हारा
360 यहाँ पे कहीं। और इसी 400 से 500 के बीच में कहीं आया होगा रिजेक्ट, 450। सेचुरेशन पॉइंट है C3C4 के लिए। यहां पर कहीं 10 आया होगा और यहां पर कहीं 50 आया होगा और इसके जस्ट बगल में कहीं 60 होगा। यह बात सबको समझ में आ चुका है। यह CO2 कंसेंट्रेशन का स्केल है, एक्सटर्नल CO2 कंसेंट्रेशन। आओ लगाते हैं लास्ट कार्डियल पॉइंट C3 C4 के लिए अलग अलग। पहले किसके लिए लगाते हैं? C3 के लिए। चलो बताए रान, C3 प्लांट मिनिमम कितना CO2 कंसेंट्रेशन डिमांड करेगा फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करने के लिए? 50 से 60 पार्ट पर मिलियन। 50 से 60, एक सेकंड रुक जाना। हाँ तो क्या बोले, 50 से 60। हाँ तो ठीक है, सही बात बोला। तो 50 से 60 कहीं यहाँ पे है, मतलब यहीं से तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा। देखो यहाँ फोटोसिंथेसिस का रेट भी जीरो है ना, रेट जीरो है ना। तो अगर 50-60 मिल गया तो यहाँ से तो फोटोसिंथेसिस होना स्टार्ट हो। बताओ अगर CO2 कंसेंट्रेशन बढ़ाते जाए तो कितने तक जाने पर फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ते रहेगा नवीन? बोलो बोलो। हाँ सर, कितने तक जाने पर फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ते रहेगा? 360 था सर, C3 का बोले। हाँ उसका सर 450 तक था ये, और 800 तक सर ये होगा। वो छोड़ो ना, कितने तक रेट बढ़ते रहेगा ये पूछ रहे हैं। मतलब सर? अरे भैया CO2 कंसेंट्रेशन बढ़ाते जाइए, 450 जब पहुंच जाएगा ना CO2 कंसेंट्रेशन, तो रेट बढ़ेगा नहीं, रेट कांस्टेंट हो जाएगा। फिर रेट कांस्टेंट हो जाएगा, यही पूछ रहे थे। आज एनवायरनमेंट में CO2 कंसेंट्रेशन कितना है? आज एनवायरनमेंट में कहीं यहाँ पर है, ये रहा 380। तो आज C3 प्लांट अपना रेट यहाँ पर लेकर है कि नहीं है? तो क्या वो अपने हाईएस्ट रेट से चल रहा है? तो क्या वो अपने हाईएस्ट रेट से चल रहा है? चल रहा है, यही बना था, यही तो नहीं समझ में आता है। अभी बताएंगे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के अकॉर्डिंग चल रहा है। लेकिन लॉ ऑफ कार्डियल पॉइंट अभी समझा रहे थे, पहले समझो कि आज ये 380 पास पर मिलियन जो है, जो एनवायरमेंट में है, ये C3 प्लांट के लिए मतलब कि सफिशियंट नहीं है फोटोसिंथेसिस के रेट को मतलब कि पीक पे ले जाने के लिए, मतलब सेचुरेशन पॉइंट शो करने के लिए, ये बोलो। चलो आते हैं C4 प्लांट पे। C4 प्लांट पहले देखो, चलो तुम बताओ C3 प्लांट कितने पर स्टार्ट करेगा फोटोसिंथेसिस? C4 यानी कि यहाँ पे अगर कहीं हो गया तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देगा। आप बताओ नवीन कितना CO2 कंसेंट्रेशन तक रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ते जाएगा CO2 कंसेंट्रेशन बढ़ाने पे? किसका? C4 का। 360 तक। 360 तक। जैसे पहुंचा, पर जैसे ही पहुंचा फ्री क्या होने लगेगा? अपना कांस्टेंट होने लगेगा। हो गया C4 है, मतलब ये 360 पर क्या हो गया, जाकर सेचुरेट हो गया। इन्वायरमेंटल CO2 कंसेंट्रेशन तो कहीं यहाँ पर स्टे कर रही है, यहाँ पर। इसका मतलब आज जितना भी इन्वायरमेंटल CO2 कंसेंट्रेशन है, C4 प्लांट तो उससे पहले सेचुरेट हो चुका है। उससे पहले कब का सेचुरेट हो चुका वो, लेकिन C3 प्लांट सेचुरेट अभी नहीं हुआ है। अगर इन फ्यूचर CO2 कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो आज जिस रेट से फोटोसिंथेसिस चल रही है उससे और बढ़ेगी रेट, और इन फ्यूचर जाके इस रेट पर जाके थमेगी। उसके बाद फिर बढ़ते रहेगी तो कॉन्स्टेंट रहेगी, फिर बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो घटेगी। हम बोले थे घटने का बार बार नहीं दिखाते हम लोग,
चलो इतना समझ में आता है, ये लॉ ऑफ कार्डिनल पॉइंट है। लॉ ऑफ कार्डिनल पॉइंट तो समझ में आ गया, लॉ ऑफ कार्डिनल पॉइंट तो समझ में आ गया। अभी लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर नहीं बताया CO2 को लेकर, अभी लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर नहीं बताया CO2 को लेकर, अभी हमारे उस सवाल का जवाब नहीं मिला। सेचुरेशन पॉइंट C4 के लिए क्यों ज्यादा है, सॉरी C3 के लिए क्यों ज्यादा है और C4 के लिए क्यों कम है, इसके लिए 450 पास पर मिलियन है और इसके लिए 360 पार्स पर मिलियन। व्हाई व्हाई क्यों, सोच के बताओ जल्दी से, जो बता सकते हो कम से कम वो बताओ। सर शायद C3 पूरा प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में से था पहले से, तो उस समय CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा था। अच्छा, और C4 बाद में इवॉल्व हुआ है तो उसको कम मतलब यूटिलाइज हो गया CO2 उतना, तो फिर कम ही में उसका सैचुरेशन हो जाता है। अच्छा ठीक है, देखते हैं जवाब सही है कि नहीं। और बोलो कोई, क्यों अलग, वही तो सवाल। फिर बोलोगे मिनिमा अलग है, फिर बोलोगे मिनिमा इसका ज्यादा है इसका कम है, क्यों कम है क्यों ज्यादा है। ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ, घूम लेना गलियों में, 100 में से 99 टीचर नहीं बताएंगे ये बात, एक और लेंथ बताओ सर। हाँ बोलो सर, C4 ये ड्राई रीजन में रहता है ना, तो उधर लिमिटिंग फैक्टर दूसरा चीज बन जाता है, तो इसी से वो काम चला कम ही में उसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रहता है, जबकि इसका हाई रेट फोटोसिंथेसिस रहता है। तो वही तो बोल रहे क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि सर उसका लिमिटिंग फैक्टर CO2 नहीं बन के दूसरा बना हुआ है, तो फिर उतना उसको CO2 का रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो वही तो बोल रहे हैं क्यों नहीं है उसको छोटे का उतना रिक्वायरमेंट, फोटोसिंथेसिस उतना नहीं हो रहा। सुनो, अब बीच में तुम लोग मत बोलना, अब हमको बोलने दो, तुम्हारे बोलने का समय समाप्त हुआ। सुन लो, सस्ते में बढ़िया माल मिल रहा है तुम लोग को, ठीक है, ये सब बातें कोई कहीं ना कोई बताएगा। सुन लो, अगर जीवन में कभी कोई अच्छा टीचर से पढ़े होगे तो तुमको क्रेंज एनाटॉमी के नाम पे बताया के बारे में बताया होगा, पढ़े हो फोटोसिंथेसिस पूरा किससे पढ़े हो, जिससे भी पढ़े होगे क्रेंज एनाटॉमी तुमको अच्छे से पढ़ाया होगा, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, पढ़ाया है क्रेंज एनाटॉमी किसमें मिलता है C4 में, और क्रेंज एनाटॉमी नहीं मिलता है किसमें C3 में। अब समझना इसके इसके इसकी वजह से क्या चक्कर लगता है, चक्कर क्या है इसमें, एक तरफ होता है मीडियोफिल सेल और एक तरफ होता है बंडल सीट सेल, इसमें तो पूरा का पूरा ही क्या होता है मीडियोफिल सेल होता है, पूरा का पूरा ही मीडियोफिल सेल ही है, एक तरफ यहां मीडियोफिल सेल होता था और एक तरफ बंडल सीट सेल होता था। रुबिस्को एंजाइम कहां होता है, C3 प्लांट के अंदर मीडियोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट, C4 प्लांट के अंदर बंडल सी सेल के क्लोरोप्लास्ट, यह है एनवायरनमेंट, इधर यह है एनवायरनमेंट। C4 प्लांट के केस में एनवायरमेंटल CO2 जो है एनवायरमेंटल CO2 के डायरेक्ट कांटेक्ट में रुबिस्को नहीं है, जबकि C3 प्लांट में एनवायरमेंटल CO2 जो है एवेंटल CO2 के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रुबिस्को है। सुना चक्कर क्या पड़ेगा, C3 प्लांट में इस एवेंटल CO2 को खटाखट खटाखट रुबिस्को लेता है और ग्लूकोज बनाता है जब रुबिस्को एक्टिव होता है दिन में, तो खटाखट 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 ग्लूकोज CO2 को यूटिलाइज करके ग्लूकोज बना देता है।
तो रुबिस्को के चारों ओर CO2 हाई कंसेंट्रेशन मेंटेन नहीं रह पाती है, तो थोड़ी सी O2 भी आती है तो ये ऑक्सीजनेशन शो करने लगता है, उसमें उल्टे CO2 लॉस कर देता है, और मतलब ये रुबिस्को ऑक्सीजनेशन भी कर रहा है, मतलब फोटोरेस्पिरेशन भी और कर रहा है। और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि रुबिस्को के चारों ओर CO2 को जमा के रखा जाए, जबकि ऐसा है किसके अंदर, इसके अंदर बताते हैं कैसे है। इसके अंदर क्या होगा, ये एनवायरमेंटल CO2 को रुबिस्को डायरेक्ट नहीं लेगा, कौन लेगा, पेप्टिडेज लेगा, और पेप्टिडेज उस CO2 को फाइनली या तो मैलिक एसिड या तो एस्पार्टिक एसिड के फॉर्म में बना के इफेक्टिवली भेज देगा कहां, बंडल सी सेल में। यहां मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड अलग अलग केस में अलग 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 एग्जाम्पल में टूट टूट के रुबिस्को के चारों ओर CO2 कंसेंट्रेशन हाई मेंटेन करेगा। अब तुम बोलोगे हाई कैसे हो जाएगा, रुबिस्को भी तो CO2 को यूज करेगा, बताए थे पेप्टिडेज का रेट ज्यादा होगा CO2 के फिक्सेशन का, प्राइमरी फिक्सेशन का, रुबिस्को का रेट कम होगा क्योंकि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज्यादा होता है KM परसेंट कम होने की वजह से, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से। तो पेप्टिडेज जो है CO2 को खटाखट खटाखट लेके मैलिक एसिड बना के वहां भेजेगा, तो यहाँ रुबिस्को के चारों ओर CO2 भरा रहेगा। अब एनवायरमेंट में अगर आज 380 है तो इतने में से पैकेज लेके सेल के अंदर बंडल सी सेल के अंदर CO2 का अच्छा खासा स्टोरेज कर लेता है रुबिस्को के चारों ओर, और रुबिस्को का भी पाला नहीं बदलता O2 के लिए, फोटोरेस्पिरेशन नहीं होता। तो रुबिस्को के चारों ओर हाई CO2 कंसंट्रेशन मेंटेन है, फोटोरेस्पिरेशन भी जैसी फिनोमेना नहीं है, यह सब पैकेज की वजह से हो पाया है और यह सब क्रेन एनाटॉमी की वजह से हो पाया है। इसीलिए अगर 360 ppm भी एनवायरमेंट में रहता है ना, तो इस वजह से क्रेन एनाटॉमी की वजह से, पेप्टिडेज की वजह से, मैलिक एसिड की वजह से रुबिस्को के चारों ओर अच्छा खासा CO2 कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखते हैं। एनवायरमेंट में 360 है, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में क्या हुआ ना, वो बना लिए पाथ ऐसा कि रुबिस्को के चारों ओर हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 मेंटेन करते रहते हैं। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, ऐसा कोई चीज नहीं है, क्रेन एनाटॉमी यहाँ नहीं, तो एनवायरमेंटल CO2 ही डायरेक्ट अपटेक हो जाता है रुबिस्को के द्वारा, तो जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल है CO2 वो खटाखट खटाखट चला जाता है। तो रुबिस्को के चारों ओर इतना CO2 मेंटेन किया जाए कि रुबिस्को अपना पाला नहीं बदले, O2 को देखकर फोटोरेस्पिरेशन ना कराए और केवल CO2 को जोड़ के फोटोसिंथेसिस हाइड्रेट से कराते रहे, क्योंकि रुबिस्को या तो फोटोसिंथेसिस कराएगा कार्बोक्सिलेशन करा के, या तो फोटोरेस्पिरेशन करा देगा। अब फोटोरेस्पिरेशन होगा तब तो रेट स्लो हो जाएगा ना फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि उसमें लॉस होगा ना कार्बन CO2 के फॉर्म में, तो फिर फोटोसिंथेसिस की रेट तो घटेगी ना फोटोरेस्पिरेशन की वजह से। तो अगर आप चाहते हैं फोटोरेस्पिरेशन नहीं हो तो खूब सारा CO2 उसके चारों दीजिए, और खूब सारा के लिए 360 में काम इसके अंदर हो जाता था, लेकिन इसके अंदर खूब सारा के लिए 450 चाहिए, मगर आज इन्वायरमेंट का 380 ही है और करंट माने तो 402। इस 400-200 भी ऐसा नहीं हो पाएगा कि रुबिस्को के चारों ओर CO2 इतना हो जाए कि फोटोरेस्पिरेशन ना हो C3 में, वो तो हो गई। अगर बहुत ज्यादा CO2 बढ़ाना है तो 450 तक अगर चला जाए तो हो जाएगा ऐसा। तो तुम अब ये बात समझ में आ गया ऐसा क्यों होता है, तो अब तुम्हारे मन में क्या डाउट आ रहा है वो भी हम बताते हैं कि सर जब आज एनवायरमेंट में 380 ही है तो पता कैसे चला कि इसका 450 ppm होता है सैचुरेशन पॉइंट। एनवायरमेंट में तो 450 आया नहीं अभी तक, तो पता कैसे चला आपको कि 450 में इतना CO2 यहाँ पे हो जाएगा कि ये पाला नहीं बदलेगा एक्सपेरिमेंटली। यही तो एक्सपेरिमेंटली पता किया गया है ना, यही तो एक्सपेरिमेंटली पता किया गया है ना, और यहीं से तो ग्राफ बताया गया है ना, यहीं से तो ग्राफ बताया गया है ना। अब समझ में आया इस सवाल का जवाब, क्यों ज्यादा होता है C4 के लिए, सॉरी C3 के लिए, और क्यों कम होता है C4 के लिए D2 के रेंज एनाटॉमी, और D2 के रेंज एनाटॉमी इसमें रुबिस्को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आता है एनवायरमेंटल CO2 के, और रुबिस्को के चारों ओर CO2 हाई अमाउंट पर मेंटेन रहता है क्योंकि PP इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करता है एनवायरमेंटल CO2 का और इफेक्टिव ट्रांसफर भी करता है, इसलिए फोटोरेस्पिरेशन नहीं होता है और ये सब चीज नहीं होता यहाँ पर, इसलिए इसका सैचुरेशन पॉइंट ज्यादा होता है। समझ में आयो? यस सर। फोटोसिंथेसिस होगा, ये सैचुरेशन पॉइंट है, ये मिनिमा नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा कैसा बात करो यार, फोटोसिंथेसिस C3 को स्टार्ट करने के कितना चाहिए, 50 से 60, जब बात करते हो यार मतलब कुछ भी क्या बताया अभी यहाँ,
ये तो सेचुरेशन पॉइंट है यार, तुमको सेचुरेशन पॉइंट और मिनिमम में अंतर नहीं लगता? हाँ मैक्सिमम एडिशन करेगा 450 से, मतलब सेचुरेशन शो कर देगा कि अब CO2 कितना भी बढ़ाए ये रेट नहीं बढ़ेगा। तो C4 के लिए ऐसा कंडीशन 360 में आ जाता है, और C3 के लिए ऐसा कंडीशन 450 में आ गया एक्सपेरिमेंटली पता लगाया गया, एक्सपेरिमेंट करके एक क्लोज इन्वायरमेंट में, क्योंकि ओपन इन्वायरमेंट में तो 450 अभी पहुंचा ही नहीं है, एक क्लोज इन्वायरमेंट में 450 ppm CO2 कंसंट्रेशन क्रिएट किया गया एक क्लोज जार में, और वहां प्लांट को रोक रहा है C3, तो उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ा, जब 450 दिए गए तब तक बढ़ा, उसके बाद उससे अधिक देने पर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा, मतलब फोटोसिंथेसिस हाईएस्ट रेट से चल गया 450 में, उसके बाद CO2 कितना भी बढ़ाओ रेट नहीं बढ़ा, ये एक्सपेरिमेंट की पता किया गया। और ऐसा क्यों आया तो उसका कारण ये है, इधर नहीं मिलता क्रेन एनाटॉमी और इधर मिलता है क्रेन एनाटॉमी, और उसकी वजह से तीन कारण, इधर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो जाता है CO2 का एटमोस्फेरिक CO2 का पैकेज की वजह से, और इफेक्टिव ट्रांसफर होता है फोटोरेसिस्ट नहीं होता, अगर क्रेन एनाटॉमी नहीं है तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन CO2 का नहीं होता, डायरेक्टली वो ग्लूकोज बनाने में चला जाता है, और इवन फोटो रिस्पेक्शन हो रहा है तो CO2 का लॉस भी हो रहा है, तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन CO2 का नहीं हो रहा, इफेक्टिव ट्रांसफर यहाँ पे ट्रांसफर जैसे कोई चक्कर ही नहीं है, क्रेन एनाटॉमी है ही नहीं, इसलिए फोटो सिंथेसिस का रेट कम है, फोटो रिस्पेक्शन का लॉस होने की वजह से। समझ में आया? हाँ सर समझ गया। हाँ तो अभी इतना पॉइंट नोट से पढ़ लो, नोट्स भेज रहा हूँ मैं एक मिनट में PDF, मीटिंग का हमारे पास 2 मिनट समय बचा है, फिर अभी ये सैचुरेशन पॉइंट डिस्कस किया, अभी कंपनसेशन पॉइंट डिस्कस नहीं हुआ है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट लो, वैसे नोट्स में सारा पॉइंट लिखा हुआ है, फटाफट लो जल्दी से, मैं क्लिक बोलूंगा ले लेना क्लिक, 1 2 3 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 क्लिक। चलो बोलेंगे ज्वाइन करने तो फिर ज्वाइन कर लेना।